ए है कुकुम्बर में, यू है. सो फॉर विच लेटर वी विल गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट कौन सी वर्ड यूज करेंगे हम? कैरेट्स, बिकॉज ए इज द फर्स्ट लेटर इन अल्फाबेट. सो कैरेट्स को फोर्थ पोजिशन में लिखेंगे एंड कुकुम्बर एट द फिफ्थ वन. इज इट ओके स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओ इन दिस वी हैव ऑल द वर्ड स्टार्टेड विथ पी, सारे पी से स्टार्ट हुए हैं. बस डोंट वरी अबाउट दिस, वी नो द रूल. वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द सेकेंड लेटर. सेकेंड लेटर पे फोकस करिए. ए ई आर ओ आई है. सो ए फर्स्ट पांडा, पी ए एन डी ए पांडा. वी विल राइट ए के बाद बी सी डी ई, यस पीनट्स. देन डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पॉपकॉर्न, सॉरी आई पिज़्ज़ा. देन ओ पॉपकॉर्न. एट लास्ट आर वी हैव विल राइट प्रू ओवर हियर. इज इट ओके चिल्ड्रन? इन दिस वे, अगर इफ द फर्स्ट लेटर इज सेम, इफ द फर्स्ट लेटर इज सेम, वी हैव टू मूव टू द सेकेंड लेटर एंड वी हैव टू अरेंज द वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सेकेंड लेटर. इज इट ओके? थर्ड वन, वाओ दिस इज अनदर example which is very different. Here we can see all the words starting with ch, means the first letter is the same and even the second letter is also the same. Then obviously, smart kids, you can think about this. What we have to do, children? If the first letter is same and even if the second letter is also same, obviously we will just move to the third letter and we will follow the alphabetical order over there. Third letter mein move karna hai aur udhar alphabetical order arrange karenge hum. Sabhi ch hai, so we are not going to see, we are not going to focus anymore on ch. So chalk, a cheese, e chili, I church, u choice. ओ सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाली लेंगे हम चौक. बी सी डी ई चीज, एफ जी एच आई चिली, जे के एल एम एन ओ चॉइस एंड एट लास्ट चर्च फॉर यू. इज इट ओके स्टूडेंट्स? हाउ इजी इट इज फॉर यू ना? ऑलरेडी यू नो द बेसिक रूल्स ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो द ओनली वन न्यू थिंग विच यू हैव लर्नड इज, if the first letter is same, you just focus on the second letter, and even if the second letter is same, we will move to the third letter. Is it okay? In this way you have to finish this. Now exercise C, with the help of letters used in the word education. So here a word is given, that is education. From the following words, with the help of the letters used in the word education, फॉर्म, नॉट फ्रॉम, सॉरी फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड्स. देखो एक एडुकेशन, एक बेसिक वर्ड दे दिया आपको यूजिंग दिस वर्ड. नीचे कुछ क्लूज दिए हैं, वो क्लू को फाइंड आउट करके आपको वर्ड लिखना है. ओके सो एडुकेशन, एन एनिमल. सो द नेम ऑफ एन एनिमल इज देयर इन दिस वर्ड एडुकेशन. सो वॉट इट विल बी चिल्ड्रन? ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, यस सी ए टी, कैट, नेम ऑफ एन एनिमल. The second one, we can catch butterflies with this. How can we catch butterflies? By using what? Yes, obviously by using net. N-E-T. These three letters are there in education. Huh? Although they are placed at different positions, it doesn't matter. But we can find these letters in this word. So definitely we can write net over here. इट मीन्स द सेम एज गिविंग समथिंग टू समवन. सो ऐसा एक वर्ड है और उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? इट मीन्स द सेम, सेम मीनिंग आता है. क्या है? एज गिविंग समथिंग टू समवन. इफ यू आर गोइंग टू गिव समथिंग टू समवन, मतलब आप कोई चीज़ किसी को दे रहे हो. यू आर गोइंग टू गिव ऑन योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू गिव ऑन योर सेल्फ. कोई चीज़ किसी को आप देना चाहते हो तो इसको एक पर्टिकुलर वर्ड से बोलते हैं हम. And the letters of that particular word should be there in our basic word, that is education. So वो क्या होता है? If you are going to give something on yourself to someone, then it is known as donate. Donate करना बोलते हैं. जैसा कई बार you used to donate your old clothes and toys to needy people.
isn't it? And we used to donate so many things, है ना, बहुत सारे charity, trust, social service वगैरह करते हैं जहाँ लोग, उधर बहुत सारे donation वगैरह चलते हैं. So what we used to do, we used to donate blood donation camp, नाम सुना होगा ना आपने. So we are going to give something of ourself to others, किसी को अपना कोई चीज़ देने को बोलते हैं donate. And what is the spelling of donate? DONATE. So each and every letter of DONATE, we can find these letters in even the word education too. Education में भी हमको ये सारे letters मिलेंगे. Now the lion lives here. Yes, you know the place where lion lives? Den. And DEN. Yes, present in education. Now arrange the words in alphabetical order. Now अभी जो words है इन सबको आपको एक alphabetical order में arrange करना है. सी डी कैट कर लिया पहले, फिर उसके बाद आता है डी, डी ई एन, डेन, देन डोनेट, देन नेट. ओके, नाउ द लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज डी, सॉल्व दिस पजल. अ स्मॉल पजल इज गिवन फॉर यू, वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस पजल. वेयर डज द वर्ड थ्री कम्स बिफोर टू एंड सेवन कम्स बिफोर सिक्स. सो ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ वेयर डज द वर्ड थ्री कम्स बिफोर टू, टू से पहले थ्री आ जाता है एंड सेवन कम्स बिफोर सिक्स, सेवन कम बिफोर सिक्स, सिक्स से पहले सेवन आ जाता है. तो अगर आप मैथ्स में सोचो तो हाईली इम्पॉसिबल है ये. टू हमेशा, थ्री विल ऑलवेज कम आफ्टर टू, टू के बाद थ्री आता है. बट हियर थ्री कम्स बिफोर टू, थ्री हमेशा टू से पहले आ रही है एंड सेवन इज़ कमिंग बिफोर सिक्स. हाँ, ऐसा अगर आपने कोई नंबर लिखा था जैसा लैक्स इन्वॉल्व करके तो वो बात अलग, बट एक ऐसी जगह है वेयर डज द वर्ड के, कहाँ पे आप ये देख सकते हो कि टू को आप हमेशा पहले, थ्री को पहले लिखेंगे, टू को बाद में एंड सिक्स को पहले लिखेंगे, सेवन को बाद में. ऑब्वियसली इट विल बी डिक्शनरी. वाई? डिक्शनरी में कोई भी वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं. जैसा नाउ लेट अस सी द स्पेलिंग ऑफ टू, टी डब्ल्यू ओ. But what is the spelling of three? THREE. So T and T the common. Now second letter में जब हम move हुए तो TW and TH. So H comes before W. So obviously we can find three before two. टू से पहले हम थ्री फाइंड आउट करेंगे डिक्शनरी में. द सेम रूम, सॉरी द सेम रूल अप्लाइज फॉर सिक्स एंड सेवन ऑल्सो. सेवन SE, बट इन सिक्स SI. So we know that E is the first letter in our English alphabet and I is the next letter. So obviously we are going to get 7 first and 6 later on. So that's why this is the puzzle that is given for you and an interesting thing. So that's why we can find these two cases possible only in a dictionary. Is it okay, children? So hope all of you understood the chapter and the topic. So go through the video once and try to solve all these exercises on yourself. Children, this is only to explain you. आपको explain करने के लिए इसके answers इधर लिखे हुए हैं. You just listen to the video. After that, fill the exercises on your own. Thank you.